माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा'स फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम एकदम टेस्टी हेल्दी लार्ज साइज का पिज्ज़ा बना रहे हैं घर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी होने वाला है और एकदम हमें घर पर ये सस्ते में पड़ने वाला है और बाज़ार के पिज्ज़ा से कहीं ज़्यादा टेस्टी हेल्दी है। तो आप इस रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखें और इसे ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हाफ कप जो है मेजरिंग कप से पानी लेकर मैं एक पैन में और इसे थोड़ा सा गुनगुना कर लूँगी गैस पर। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बाउल में जो हमारा आधा कप मेजरिंग कप से पानी है वो मैं डाल लूँगी। और उसके बाद ये एक्टिव ड्राई ईस्ट है, आप कोई भी अच्छी कंपनी की एक्टिव ड्राई ईस्ट बाज़ार से ला सकते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं पानी में एक टी स्पून शक्कर जो है वो मिक्स कर दूँगी थोड़ी सी। और उसके बाद जो है ये हमारी ड्राई ईस्ट है ये हाफ टेबल स्पून में ले रही हूँ, ये मैं इसमें डाल लूँगी और इसे एक चम्मच की मदद से थोड़ा सा पहले मैं मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद इसे हम किसी प्लेट से ढक के और किचन में ही कहीं गर्म जगह पे रख देंगे। और ये करीब 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ईस्ट अच्छे से फूल चुका है। अलग अलग ईस्ट का टाइमिंग अलग हो सकता है, लेकिन 15 से 20 मिनट में लगभग ये फूल ही जाता है ईस्ट। ईस्ट को चम्मच से मिलाने के बाद यहाँ पे मैं करीब 80% गेहूं का आटा और 20% सिर्फ मैदा ले रही हूँ, जो कि हमारा आटा हेल्दी होता है इसलिए हम इसे आज आटे से ही बनाएंगे। और यहाँ पे मैं हाफ टी स्पून नमक डाल दे रही हूँ और इसे पहले हम मिक्स कर देंगे और फिर हमारा आटा जो है हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और पहले हम चम्मच की मदद से मिलाएँगे। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून खाने का तेल डाल दिया है और चम्मच से हम मिक्स करेंगे इसको, आटे को अच्छे से हमारे ईस्ट में। अभी 1 कप आटा मेरा पूरा डल चुका है। अब हम चम्मच को हटा लेंगे मिक्स करने के बाद और फिर हाथ से अच्छे से गूंदेंगे। फिर 1/4 कप जो है आटा मैंने और ले लिया है गेहूं का और उसको भी अब मैं हाथ से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके और गूंद लूँगी। ये 1/4 आटा मेरा फिर से डल गया है और करीब 1/4 आटा मेरा और लगेगा, यानी कि लगभग मुझे 1.5 कप मेजरिंग कप से जो है आटा लग गया है। और इस आटे को हमको जो रोटी हम आटे लगाते हैं रोटी के लिए उससे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है आटा। अभी हमारा आटा रेडी है, अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड करके और हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ये प्रोसेस थोड़ी सी मैसी है लेकिन हमें इसी तरह से करना है। अब इसको हम तेल लगाने के बाद किसी एल्यूमिनियम फॉइल से बाउल को अच्छे से कवर कर देंगे और एक ढक्कन से ढक के इसे हम किचन पे ही कहीं एक तरफ गर्म जगह पर रख देंगे। अब ये हमारी सारी वेजिटेबल्स हमने रेडी कर ली है। फिर मैंने एक मीडियम आकार का जो है टमाटर बीज निकाल के उसे चॉप कर लिया है, थोड़ा सा अमेरिकन कॉर्न ले लिया है, थोड़ा सा प्याज और लाल मिर्च जो है फ्रेश वाली वो एक ले ली है और थोड़ी सी शिमला मिर्च ले ली है। लाल मिर्च आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे हटा सकते हैं। और ये जो है कॉटेज चीज़ है इसे मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे 1 घंटे बाद देखेंगे तो ये हमारा जो है आटा बढ़िया डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब इस पर मैं थोड़ा सा सूखा आटा डाल के और हल्का सा इसे इस तरह से मुक्की मार लूँगी और इसे अब हम बाउल से बाहर निकाल लेंगे। और सबसे पहले हम हमारे जो OTG को प्रीहीट करने रख देंगे, तो ये जो है दोनों साइड की रॉड है वो हमें गर्म करना है और 180 डिग्री पे हम इसको कर देंगे टेम्परेचर को और 10 मिनट के लिए इसे हम प्रीहीट होने के लिए रख देंगे हमारे OTG को पहले। और उसके बाद जो ये आटा है हम एक चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल के और जो हमने हमारा आटा इधर रेडी करके रखा था यीस्ट वाला वो ले लेंगे और इसे सूखा आटे की मदद से हम अच्छे से हथेली की मदद से इस तरह से फैला के और मोटा मोटा सा थपथपा के बेल कर रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो बेलन से भी रेडी कर सकते हैं। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कॉर्नर्स में इस तरह से दबा देंगे। और यहाँ पे मैं अब रेडीमेड जो है केचप होता है टमेटो केचप वो डाल रही हूँ। आपके पास अगर पिज्ज़ा टॉपिंग हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा झटपट पिज्ज़ा हम बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर केचप ही डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मैंने केचप को पूरा दूर फैला दिया है और ये हमारी सब्ज़ियाँ सारी मैंने मिक्स कर ली है और इसे भी मैं सारी सब्जियों को इस पर अच्छे से एक मोटी सी लेयर लगाऊंगी जिससे कि हमारा पिज्ज़ा एकदम हेल्दी बन जाएगा। अब उसके बाद जो ये हमारा कॉटेज चीज़ हमने क्यूब्स में कट करके रखा था वो भी मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैला दूंगी जिससे कि हमें कैल्शियम भी बढ़िया मिल जाएगा इस पिज्ज़ा से। और अब हम जो है चीज़, आपके पास जो भी चीज़ हो वो आप इसे अच्छे से खूब सारा चीज़ डालिए क्योंकि पिज्ज़ा में चीज़ तो खूब सारा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया चीज़ भी डाल दिया है और ये हमारी ट्रे है जो बेकिंग ट्रे होती है उस पर मैं अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दूंगी। और उसके बाद जो हमारा पिज़्ज़ा हमने बढ़िया रेडी करके रखा है देख सकते कितना यम्मी लग रहा है,
इस पर मैं थोड़ा सा जो है चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑरिगेनो और मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं। अब हमारा ओवन जो है बढ़िया प्री हीट हो चुका है। अब ट्रे में मैंने पिज्ज़ा को रख दिया है और देख सकते हैं आप कितना यम्मी लग रहा है अभी ही। अब हम इसको बंद कर देंगे हमारे ओटीजी को और हम 180 डिग्री पर ही रहने देंगे। और जो है इसको मैं टाइमर को करीब 28 मिनट के लिए टाइम सेट करके और रख दे रही हूँ पिज्ज़ा को बेक होने के लिए। और 28 मिनट के बाद जो है मैं 200 से 220 डिग्री करीब 5 मिनट के लिए और इस पिज़्ज़ा को बेक होने दूंगी, जिससे कि बढ़िया ब्राउन हो जाए ऊपर से। और ये देख सकते हैं ये हमारा 35 मिनट में एकदम यम्मी पिज़्ज़ा बनकर रेडी है। इतना बढ़िया हमारा जो है चीज़ मेल्ट हुआ है। अब इसे मैं किसी लंबे चम्मच या फिर इस तरह से जो केक का निकालने का होता है उससे मैं निकाल के चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया है और इसे मैं पिज़्ज़ा कटर से अब कट कर लूँगी बढ़िया। और हमारा एकदम लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा एकदम सस्ते में और टेस्टी और हेल्दी घर पर बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आपको बाहर से पिज़्ज़ा बुलवाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस तरह से घर पे ही एकदम यम्मी टेस्टी हेल्दी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मम्मा'स फूड कॉर्नर। थैंक यू।